की खिड़की खोल, बेबी लव की बातें बोल, आजा कर ले रॉक एंड रोल टुगेदर, करियो कुसुम की लव स्टोरी। किस दुनिया में? नहीं, कराची। कौन आता था? आगे बोल ना, मर गया तू। नहीं, आपने कहना है कि ये बता के दरवाजा क्यों खटकाया? लेकिन ऑडियो खराब आई ना, खुदा करे तेरा मुंह चप्पल जैसा कर दूंगा। हाँ हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा, पहले मेरे को ये किताब तो मुझे माफ कर दो। कहाँ जा रही है, कहाँ का ध्यान है? आपकी खिदमत में सेठ सुलेमान है। इतनी ज्यादा खिदमत की जरूरत नहीं है, मेरा माइक गिर गया। गोल गोल आंखें ने प्यारी प्यारे सींग, और तो और क्या बात भाई यार, ये बड़ी लंबी लाइन है क्या? तो फिर क्या बनेगा? तू दाल ने सब्जी ने ये चीजें नहीं सोच सकता था क्या? जरूरी है तेरे को मटन ही खाना है। अब हमें ऐसे गोश्त नहीं मिलेगा, अब हमें छीनना पड़ेगा मम्मा पापा से, नहीं तो दादी से। अरे नहीं यार, लोगों से। लोगों से? आप अपने इस उकलौती औलाद को कुछ रोकड़ा दो, ताकि मैं अपनी औलाद को कुछ रोकड़ा दो। ए माँ, जाए मेरी माँ ने फोन करके मेरे को ये बताया कि मेरे कजन जा रहे हैं। इस दुनिया में? नहीं नहीं, कराची में। बब्बू, तू स्कूल की छुट्टियों में कौन सी किताब पढ़ रहे हो? गोश्त पकाने की 101 तरकीबें। तेरे को ये किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? मैंने सोचा कि इसी बहाने को गोश्त का मजा मिल जाएगा। तेरे को पता है गोश्त पकाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? सोई गैस? नहीं। मिर्च मसाला? अरे नहीं, गोश्त पकाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो है गोश्त। समझा? बरोबर है मम्मा। तो गोश्त पकाने के 101 तरकीबों के बजाय गोश्त मांगने के 101 तरकीबों वाली किताब ढूंढो। समझे? हाँ, अगर तुमको वो किताब कहीं ना मिले तो सासुमा के पास चले जाना, वो PhD कर चुकी है इस टॉपिक्स में। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। शाबाश माँ, हमने पानी से अपना पेट फुल भर लिया है। हाँ। अब इस पानी को हजम करने के लिए कुछ खाने को तो दे दो माँ। ए जक्कू, तू ही कोई जुगाड़ लगा। ए माँ, मैं तो इस घर में इतना कुछ लेके आया हूँ, लेकिन मेरी तो कोई कदर है ही नहीं। ए, मेरे को मालूम ही नहीं है तू क्या क्या लाया इधर। पहले मैं कुलसुम को लेके आया, उसके बाद मसाला, पांच बच्चे लेके आया हूँ माँ, जो कि हमारे आंगन में इसे चेकते मेकते रहते हैं। ये मालूम ही नहीं है चक्कू, तेरे कारनामे तो मेरे को मालूम ही नहीं है ना। होता है होता है होता है माँ, चिराग तले अंधेरा होता है। चक्कू, कुछ तो बच्चों के लिए करना। ऐसा क्या हो गया माँ? बच्चों के लिए ईद के लिए कुछ खाने पीने के लिए चीजें ला। ओके माँ ओके। इस नेकी की शुरुआत सबसे पहले आप करो, उसके बाद मैं करता हूँ। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये माँ के, सबसे पहले आप अपने इस उकलौती औलाद को कुछ रोकड़ा दो, ताकि मैं अपनी औलाद को कुछ रोकड़ा दो। ए माँ, मनुष्य शुक्र कर, मैंने तेरे को बच्ची खाने से धक्का दिया, घर से नहीं दिए। शुक्रिया। लानत है तेरे पे। शुक्रिया शुक्रिया। ऐसी औलाद है, पानी भी नहीं पीने देती। ए मिंजा मुला। ए गुड्डू, मुंह खोल के बैठा हुआ है, अंदर मक्खी चली जाएगी। चले पापा, इसी बहाने बोटी तो अंदर जाएगी। कैसी बातें कर रहा तू? लोग आंख खोल के सोचते हैं, दिमाग खोल के सोचते हैं, तू मुंह खोल के सोच रहा है? घर में तो कुछ पकता नहीं है, तो सोचा ख्याली पुलाव ही पका लेता हूँ। अच्छा, पुलाव किस चीज का था? चिकन का, मटन का, के बीफ का? ख्याली था तो मटन ही होगा ना। ए, जब भी मैं सोचूंगा तेरे पापा के जेब से रोज रोज रोकड़ा जा किधर रहा है। लेकिन पापा, मैं तो आपके खीसे से पैसे निकालता ही नहीं हूँ। तो ये पुलाव में मटन ऐसे ही आ गया? ए, तुम लोग तो ख्यालों में मेरे को लोच पहुँचा रहे हो। लेकिन पापा, ये तो सिर्फ ख्याल था।
ख्याल में तू दाल ने सब्जी ने ये चीजें नहीं सोच सकता था क्या? जरूरी है तेरे को मटन ही खाना है? पापा कुछ तो ख्याल करें, अजीत का दूसरा दिन है। दूसरे ने तीसरे दिन के बाद नॉर्मल डेज हो जाएंगे तो उस वक्त सोच लेना ख्याल। असल में तो कुछ खिला नहीं सकते तो ख्याल ही पिलाओ नहीं बनाने देते। बेटा सोच ले मैं तो ऐसे ही तेरे टाइम पास कर रहा था। भेज जा जग्गू निकल ले यहाँ से, बच्चे जज्बाती हो रहे। यार शुक्र है खुदा का जुम्मी मौजूद नहीं है, जरा सो लो। बहुत दूर का सफर है ना, थक गया हूँ। हसन योर सीट बेल्ट एंड स्लीप अवे। यार क्या बोला। मेरे दोस्तों, आज आप सबको इधर इसलिए जमा किया है कि आप लोगों के साथ जो भी ज्यादतियां हुई हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। वाह, आज इसका दूसरा दिन है। लोगों के पेट और फ्रिज गोश्त से भरे हुए हैं और हमने कल से सिर्फ दो ही बोटियां खाई हुई हैं। मुझे तो सिर्फ एक ही मिली। बाकी तो तुम खा गए थे पप्पू भैया। तो क्या हुआ, आप लोगों के हुकूक की जंग लड़ने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है? मेरा ख्याल है कि ये हमारे हुकूक के बारे में बात हो रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारा पेट भरना हमारे माँ बाप का फर्ज है जिसमें वो लोग नाकामयाब हुए हैं। ये बस बस। तो फिर पप्पू भैया हमें क्या करना होगा? अब हमें ऐसे गोश्त नहीं मिलेगा, अब हमें छीनना पड़ेगा मम्मा पापा से, नहीं तो दादी से। अरे नहीं यार, लोगों से। लोगों से? हाँ लोगों से। मगर कैसे? अगर पर्ची पर पैसे मिल सकते हैं, खाल मिल सकती है, तो गोश्त की 3-4 बोटियाँ भी तो मिल सकती है ना। वाह वाह, ये आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन पर्ची लेकर कौन जाएगा? राजू मैं। हाँ, क्योंकि तू हम सब में से सबसे मासूम है। राजू भैया जिंदाबाद। राजू भैया जिंदाबाद। राजू भैया जिंदाबाद। राजू भैया जिंदाबाद। या अल्लाह, मैं जिन्नों का वैसे ही नगमा गा रही हूँ। ये वो बंदा है जो औरतों के डिब्बे में जाके सीटों पे कब्जा करता है। ए वाले, ये बस का लेडीज डिब्बा है, मैं क्या करूँ? उठ ये जुब्बी। हाँ, तेरे बाप का घर है ना, कितने मजे से सो रहे लाता है। सुनने तो दे, अभी तो मेरी आँख लगी थी, मेरे को उठा नाकरा। और तू जो बगैर इजाजत मेरे कमरे में चला आते, ये उससे भी बुरी बात है। मैं खुद का आईला हूँ, मेरे को तो मेरी माँ ने भेजा है। माँ ने बिंजा बोला को जरूर मतलब होएगा है ना? नहीं जुब्बी, नहीं मतलब कोई नहीं है। मेरी माँ ने तेरे को ईद के पूर्व मुसर्रत मौके पर एक पैगाम भेजा है। सबसे पहले सलाम ने ईद की मुबारक, इन्हें एक छोटा सा एक पैगाम तेरे वास्ते है। ए, सिर्फ खाली पीली बातें भेजे है या रोकड़ा भी भेजा है? या तूने उसके पास ना रोकड़ा छोड़ा ना छोकरा है? ए जास्ती बात मत कर, जो पैगाम देना है दे, नहीं तो फुट इधर से। बरोबर बरोबर, ठीक है ठीक है। माँ कह रही थी के यह था बेगम को कहना कि मैं जब यहाँ पेट भर के खाती हूँ तो मेरे को जुलेखा बहुत याद आती है। ये मिंजा मोला, तुम तो ऐसे पैगाम दे रहे ले हो जिससे मैं उसको खाने ही नहीं देती थी। चुड़ैल जब ऐसा पैगाम भेजे डर लगता है मेरे को। मैं तो बाकरा होटल से लड्डू तक ला के खिलाती थी उसको। नहीं नहीं नहीं, तू खूब पेट भर के पहले खाती थी, जो बच जाता था वो मेरी माँ को देती थी। हाँ, ये मिंजा मोला, सास की खिदमत कर करके मैंने कितनी अपनी सेहत गवा दी, कितने एक्सरे मेरी गदागरी में पड़े हैं। ना जुबी ना, सास की खिदमत करने में तूने अपनी सेहत तो बना ली मगर अपनी सांस गवा दी। देख सुलेमान, ईद के रोज मैंने तेरी बहुत इज्जत की है, ऐसा कर इज्जत से तू फुट ले इधर से, ये मैं बता रही लियो तेरे को। ये जुबी जुबी, आज ईद का दिन है, देख मैं तेरे पास आया हूँ ईद मिलने के लिए। कुछ खाने को सीर खोरमा, कुछ सेवैया, कोई लड्डू और बकरे का गोश्त पकेला वगैरह, को कलेजी न फेफड़े न क्या कहना थे। आज का दिन है, खुशी का दिन है, कुछ खिला तो सही मेरे को। ए जिन सोहर, तू बेड में तेरे लिए गरम गरम जूतियों के कबाब खिलाती है तेरे को, हमेशा निशाना चूक जाता है।
वरना दो चप्पलें पड़े तो ये खत्म हो जावे। सासुमा मैं क्लियर्स कर दूं, ये सारा गोश्त ना मेरे बच्चे की कमाई है। हाँ तेरा छोकरा मेरे छोकरे की कमाई है, समझी है ना तू? एक तो गरीबों का यही मसला है कि घर में कोई चीज आए उस पर लड़ना शुरू कर देते हैं। फजूल बातें कर रहे हैं। चलो भाई आया तेरे चंदा हुआ है ना, ये तेरा कजन फ्रॉड करता रे, बाहर फ्रॉड किया, इतना बकरे का किलो गोश्त सारा गोश्त खत्म हो गया। प्रेम कहानी सबको सुनानी, दिल थाम के बैठो ना कर मनमानी। जी माँ। हे माँ। हाँ माँ, सच माँ? नहीं नहीं माँ। ओए माँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है माँ, ओके ओके। आप अपनी माँ से बतियां कर रही थी? किसी हस्बैंड से आप बीवी पे जासूसी कर रहे ले? जितने प्यार से आप अपनी माँ से बातें कर रही थी ना, ने कोई अंधा भी बता सकता कि आप अपनी माँ से ही बात कर रही थी। कभी इतनी प्यार से मेरी माँ से भी बात कर लिया करो। जकरिया साहब, इस खुशी के मौके पर मैं आपकी फालतू बातों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझती। खुशी का मौका? जरा दिल थाम के अपन को भी बता दो। मेरी माँ ने फोन करके मेरे को ये बताया कि मेरे कजन सारे लाए इस दुनिया में। नहीं नहीं, कराची में। अच्छा कराची में। कुलसुम मेरे पे एक एहसान करना, मेरे घर में मेहमान मत ठहराना। ठीक है, मैं माँ को मना कर देती हूँ कि कजन को बोलो कि ना आए और साथ में वो बकरा भी ना लाए। बकरा? कजन बकरा लेके आ रहे हैं तो आने दीजिए ना, इतने बड़े शहर में बेचारे कहाँ ठहरेंगे। नहीं नहीं सरताज, मैं मना कर देती हूँ। अब वो अकेले शहर में इतने बड़े तगड़े बकरे के साथ किधर किधर ख्वार होएगा? काय को ख्वार होगा, हमारा घर है ना उनके लिए, अपन यहीं ठहरा देंगे उनको। नहीं सरताज, आपको प्रॉब्लम होंगी, तकलीफ होगी, मैं मना कर देती हूँ। जब मैं आपको मना करने से मना कर रहा हूँ तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही है? इन्हें रखे फोन प्लीज। सरताज, उसको ठहराने में प्रॉब्लम्स होंगे ना। प्रॉब्लम कैसी होगी, नीचे गेट के साथ बांध देंगे ना, मोहल्ले वाले भी देखेंगे। मैं बकरे के नहीं अपने कजन की बात कर रही हूँ। पहले बकरे को आने तो दे, फिर कजन को भी देख लेंगे क्या करना है। बुला लो बुला लो बुला लो। पक्का पक्का? तूने बोल तो दिया ना, दोबारा फोन काय को कर रही है? बस वो आ जाएगा, मना करने से मना किया था। बकरा आएगा, रोज खाएंगे, टांग खाएंगे। दाने पे दाना, दाना ओ दाने पे दाना, ओ दाना दाने पे दाना, ए ए ए दाने पे दाना, ए ए जक्कू ये क्या हरकत है? ए माँ, हरकत को छोड़ो, आप ये बताओ कि आप क्या खाएंगी, बकरे की रांत के चाम? तू ऐसे बोल रहे है जैसे बकरा तू लाएगा, मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है माँ, आप अच्छी तरह सोच लीजिए, बाद में मेरे से शिकवा मत करना कि मैंने पूछा नहीं। तो बकरा किधर है? बकरा समझ लो माँ, रस्ते में। कौन से रस्ते पे? मीरपुर खास से कराची के रस्ते माँ। कुलसुम की माँ भेज रही है। अकेला? नहीं नहीं, उसके साथ उसका कजन भी आएगा। बकरे का कजन? बकरे का कजन नहीं,
कुलसुम का कजन बकरे के साथ आएगा। जकरिया मैं ये पूछना चाहती है, कुलसुमी की माँ ये जानवर सप्लाई सिर्फ हम लोगों को करती है कि लोगों को भी करती है? ये क्या मतलब? जैसे पहले उसने हमें कट्टा भेजा, अब बकरा भेज रही है। कट्टा? कट्टा कभी आया माँ? ये तेरे आगे पीछे घूम रही है ना कुलसुमी, कट्टा ही तो है, पूनन भी पैदा कर दी है उसने। आहिस्ता बोलो, अभी कुलसुम ने सुनिए ना खामखा मेरे को सालिम बकरे का लोस हो जाएगा। लोस तो तुझे वैसे भी होएगा, जो कजन आएगा इसकी खर्ची कौन करेगा? को छोड़ो माँ, मैंने सोच लिया, अगर मैं आपका छोकरा हूँ मैं क्या करूँगा, उसको बकरे की खाल थमा दूंगा। फिर भी तेरे को एक खाल का नुकसान तो होएगा। कोई बात नहीं माँ, मैं सोचूंगा, जबरदस्ती मेरे से कोई खाल छीन के भाग गया कमीना। ए जाकू, मेरे को एक बात कहनी है, अगर कुलसुमी की माँ कजन नहीं भेजती, कैश रोकरा भेज देती, कितना फायदा होता? कजन को माँ दफा करो, ने आप खाली ये सोचो कि आप बकरे की कौन कौन सी डिशेज खाएंगी। मैं तो बकरे की एक एक गोटी खाऊंगी, बल्कि धागे में परो दूंगी, मैं ना बट भी खाऊंगी इसकी। अच्छा ओके, बकरा आ जाए फिर नो इफ नो बट। अरे वाह अंकल, लोग अपनी हिफाजत के लिए कुत्ता रखते हैं, आपने बकरा रखा हुआ है। ए मुंजा मौला, ये आजकल के बच्चों को क्या हो गया? मैंने सुना है कि आपके घर में ना बकरा आया हुआ है। क्यों लेने आया तू? नहीं नहीं, मैंने तो उसको पहुँचाना है ना जी। कहाँ? मीरपुर खास? ए अम्मा, मैं कसाई हूँ, ड्राइवर थोड़ी हूँ, मैं कोच में उसको ले जाऊंगा। मीरपुर खास में सब कैसे है? वैसे दो आंखें, दो पांव, दो दांत और दो सिंह। मैं बकरे की नहीं अपने घर वालों की बात कर रही हूँ। तेरे घर वालों में और बकरों में सिर्फ एक ही फर्क है, दो सिंगों का। अरे वाह अंकल, लोग अपनी हिफाजत के लिए कुत्ता रखते हैं, आपने बकरा रखा हुआ है। ए मुंजा मौला, ये आजकल के बच्चों को क्या हो गया? चौकरी, कुलसुम बाजी का घर यही है? आपको कैसे पता? यानी उनको जाके बोलो कि मीरपुर खास से उनका कजन आया। अरे ये मेरी अम्मी का कजन है। ये कजन नहीं, मैं कजन हूँ। तो फिर आप बकरे के सर पर हाथ क्यों फेर रहे हैं? अपने सर पर हाथ फेरे ना। नहीं, मैं उसके सर पे हाथ फेरूं या उसकी गर्दन पे छुरी? अंदर जाके बोलो उनका कजन आया है। तो फिर आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? अंदर चले ना। ये तुम हटोगी तो अंदर जाऊंगा ना। नहीं चलो यार, मुझे मला मैं किधर बस गया। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, मैं तो बड़े सुकून से आया हूँ। पर मेरे को तेरे आने की बहुत तकलीफ है माँ। वो बाहर जो बकरा फंदा हुआ है ना, वो यही भाई साहब लेके आए हैं मीरपुर खास से। पानी दिया? ये पानी कटे तो ये तो रोटी कटाएगा। मैं तेरा नहीं बकरे का पूछ रही हूँ, वो तो बेजुबान है ना बेचारा। तू तो मुँह फाड़ फाड़ के मांग रहे हर चीज, पानी दे दो, खाना दे दो। सासू माँ को ना जाती मजाक करने की आदत है, माइंड नहीं करना। वैसे आते हुए हाथ पाँव तो चेक कर लिए थे ना? ए खाला, मेरे हाथ पाँव तो ठीक है। ए भाईजान, माँ आपके हाथ पाँव की बात नहीं कर रही, बकरे के हाथ पाँव की बात कर रही है, वो ठीक है। ए हाथ पाँव सलामत से तो जब ही तो अंदर आया वो। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। वो मीरपुर खास में सब कैसे? वैसे दो आंखें, दो पाँव, दो दांत और दो सिंह। मैं बकरे की नहीं अपने घर वालों की बात कर रही हूँ। तेरे घर वालों में और बकरों में सिर्फ एक ही फर्क है, दो सिंगों का। माँ भाईजान,
आप बकरा किसा लेके आए हो, चलो चल के जरा मुआइना करें इसका, चलें। ए, देखने की क्या जरूरत है, वही दो हाथ दो पांव और दो सिंग। अच्छा चलो फिर भी देख लेता हूँ। अरे क्या था, हमें तसल्ली नहीं होती भाईजान, जब तक हम माल देख नहीं लेते ना हमें सुकून नहीं मिलता। ए बाजी, इतना लंबा सफर तय करके आओ, भूख बहुत लगी, खाने पीने का बंदोबस्त है? चाय पी लो, थकन मर जाएगी। ए उससे तो भूख मर जाएगी, यही तो हमारी प्लानिंग है। अबे भाई देखे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जरा कस्टमर के पास जा रहा हूँ। फोन बंद करो, बंद करो फोन अपना, ऐसे फालतू लोग फोन कर देते हैं। घर तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, बकरे के पैसे भी बहुत अच्छे देंगे मुझे कटाई के। जी अंकल। वो बच्चे मुन्ने क्या हाल है? सुने आपसे बड़ा कोई घर में है? अच्छा एक मिनट, क्यों 10 मिनट? जी अंकल। देखिए बेटा, मैंने आपके घर में से कोई बड़ा है उसको बुलाया, जरा बुलाया। वो अच्छा, मैं समझी। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, बच्चे बड़े समझदार होते हैं। जी देखो कैसी मेरी जी, फरमाइए। ये बड़ा भी जरा छोटा है, कोई बड़ा जिससे मैं बात कर सकूं? वो अंकल एक मिनट, ये बड़े समझदार हैं जी, ये दोनों चलेंगे। देखो मुझे समझ नहीं आती है कि मैं पागल हूँ या तुम लोग पागल। हम में से तो कोई नहीं है, पर हमें आपका नहीं पता, क्यों भाइयो? हाँ हाँ सही बात है। देखिए आपके घर में अगर कोई बड़ा है तो उसको बुलाए। बस इतनी सी बात थी तो हमारा इतना टाइम क्यों जाया गया? चलो सब अंदर, ये दादी का केस है। अबे मैं पागल नहीं हूँ बच्चों, मैं पागल नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं पागल, नहीं हूँ ना मैं पागल, कौन कहता है मैं पागल हूँ भाई? है जी भाई। अस्सलाम वालेकुम उम्मीद। हे मैं तुझे नहीं देखे, आप उम्र में मेरी अम्मा जितनी नहीं है, लेकिन उस जैसी दिख रही है मुझे। चलो चलेगा, कोई बात नहीं। ये बता दरवाजा काहे को खटखटाया तूने? मैंने सुना है कि आपके घर में ना बकरा आया हुआ है। क्यों लेने आया तू? नहीं नहीं, मैंने तो उसको पहुँचाना है ना जी। कहाँ? मीरपुर खास? ये अम्मा मैं कसाई हूँ, ड्राइवर थोड़ी हूँ कि मैं कोच में उसको ले जाऊंगा। आपने बकरा जिबा नहीं करवाना इस पर? क्यों ऐसे कैसे, अभी तो बेचारा आया, 2-4 दिन आराम करेगा, रेस्ट करेगा, टंगड़िया सीधी करे, जब बाद में इस चक्कर में तो ईद भी गुजर जाएगी। अच्छा तेरी दिहाड़ी के चक्कर में अपन 2-4 रोज खुश भी ना हो, कैसा मनुष्य है तू? देख ले, 2-4 दिन बाद नहीं मिलेगा। कौन कसाई? आपको वो सवाब नहीं मिलेगा ना। सवाब तो अल्लाह देगा, तेरे जैसा मनुष्य बंदा थोड़ी देगा। निकल ठीक है, चलो इधर से। अबे मैं पागल हूँ? ये पागल है, मैं पागल नहीं हूँ, ये पागल है भाई। ए भाई जरा वेट मशीन पे डालना। ए मिंजा मोला, उतना ही वेट है जितना 1 घंटे पहले था। भाई तू क्या कर रहा है, जरा ख्याल कर। ए नहीं भाई, ये बकरा का स्टॉक मार्केट थोड़ी ना कि हर घंटे बाद नया रेट ने नया वेट। ए भाई कैसी चरियों जैसी बातें कर रहा है भाई, इसको मैंने पूरा 2 किलो का चारा ना 1 किलो घास खिला दी है, तो कम से कम 3 किलो नहीं तो 1 किलो वजन तो बढ़े है, नहीं तो अपना तो लॉस हो जाएगा ना भाई। नहीं लॉस? नहीं लॉस कैसा? देखो नहीं, घास का और चारे का खर्चा तो हुआ सो हुआ, और इतना खर्चा करने के बाद भी इसका वजन नहीं बढ़ रहा, तो भाई ये सारी चीजें जा किधर रही है? ए भाई वजन बढ़ जाएगा ना इतनी जल्दी काहे को? जल्दी कैसे नहीं होगी भाई, जैसे इंतहाई मन्नतों और मुरादों के बाद किसी की औलाद पैदा होती है ना, उसी तरह हमारे यहाँ बकरा आया है भाई, अब इसका वजन नहीं बढ़ेगा, अपन को टेंशन तो होगी ना। बोला रहे जरा ये पकड़ो। और भाईजान ये घास में सिर्फ बकरे के लिए लाए, ठीक है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी 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 कसाई भाई, मैंने आपको मिस कॉल दी थी। अच्छा मेरे को इधर ये बताइएगा कि ये बैल की खाल के क्या रेट चल रहे? अच्छा, और गाय की खाल के? अच्छा अच्छा, और ये दुबे की खाल? हो, और ये बकरे की खाल? नहीं नहीं नहीं, फिलहाल तो मेरे पास सिर्फ एक ही बकरा है, उसकी खाल देनी है आपको, बल्कि बेचनी है, लेकिन ए ए खबरदार जो इस तरह की बात की, तू तू तेरा पप्पा बेचारे का बिल आ रहा था ना, मैंने फोन काट दिया। ए नहीं, क्या क्या बोल रहा था? ए कुछ नहीं, ऐसी प्यार बनी बातें। चलो चलो ये सवाब का काम मेरे को करने दो। चलो तुम करो, मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ जाओ। चलो बस अभी आपको खामखा हेजे की बीमारी हो जाएगी, कम कम खाइए। आइए दिल कराशा।
रात को बारी काट कर तेल में तले, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर थोड़ा सा भून। ए बाजी, ए खाने को कुछ मिलेगा? हाँ खाना मिल जाएगा, पहले मेरे को ये मैगजीन तो खत्म करने दो। यानी मैगजीन के खात्मे तक मेरा खात्मा ना हो जाए। ए तेरे लिए तो कर ली हो ये, इसमें देखना गोश्त पकाने की तरकीबें। गोश्त को दफा करो, दाल पका लो। काय को दाल बना लू, कोई दाल नहीं बनेगी। ईद के दिन दाल, कोई दाल नहीं बनेगी। अच्छा ये बाजी गोश्त कब तक पकेगा? अभी गोश्त आ गया है तो पक भी जाएगा। तू सब छोड़, ये बता पानी पिया? यानी सुबह से वही तो पी रहा हूँ। मैं तेरे नहीं बकरे की बात कर रही हूँ। जब उसको प्यास लगेगी वो खुद ही पी लेगा, फिक्र मत करो। बुरा बुरा। अच्छा ये बता खाने का क्या प्रोग्राम है? जो आप पकाएंगे मैं खा लूंगा। मैं तेरे नहीं बकरे की बात कर रही हूँ। मेहमान मैं हूँ या बकरा है? बकरा। अरे कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा। अंदाजन वजन कितना होगा? वजन के बारे में क्या बताऊं मैं आपको, वो तो हर घंटे बढ़ ही रहा है। कद और उम्र? उम्र के बारे में क्या बताऊं, बिल्कुल बाली ने कच्ची उम्र है आपकी तरह। मुंजा मौला, ए मेरे बकरे के साथ ये क्या हो रहा है? मुझे खिलाते नहीं है और बकरे को खिला खिला के तरसते नहीं है। ए भाई बकरा किधर है? ए कौन सा बकरा? Love story. माशाल्लाह माशाल्लाह, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं टाउन ऑफिस से आई हूँ। ऑफिस से आने की तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? आप ऐसा करें मेरे को अपना नंबर दे दो, मेरा नंबर ले ले। मेरे को जब भी आप मिस कॉल मारेंगी ना तो मैं उड़ के आपके दफ्तर पहुंच जाऊंगा। देखिए अगर आपका छिछोरपन खत्म हो गया हो तो जरा काम की बात कर ले। कोई बात नहीं, वैसे भी आज मैं बहुत बिजी हूँ। हमें इत्तला मिली है कि आपके घर में मीरपुर खास से बकरा लाया गया है। जी जी बिल्कुल ठीक इत्तला मिली है, बोले तो आपको दिखाऊं क्या? जी ये जकरिया इसको बकरा मत दिखा, नजर लग जाएगी। आई एम सॉरी, वो अभी मेरे बकरे साहब सो रहे हैं, जरा गेलूला कर रहे हैं। आप बोलो तो मोबाइल में फोटो दिखाऊं। अच्छा अंदाजन वजन कितना होगा? वजन के बारे में क्या बताऊं मैं आपको, वो तो हर घंटे बढ़ ही रहा है। कद और उम्र? उम्र के बारे में क्या बताऊं, बिल्कुल बाली ने कच्ची उम्र है आपकी तरह। और कद का क्या बताऊं, ये बड़े बड़े हाथ ने, ये बड़े बड़े पैर, और चलता तो ऐसा लगता है जैसे बब्बर शेर चल रहा हो। ए भाई मैं क्या बताऊं, ये बड़ी बड़ी आंखें, गोल गोल सिंह, ये चमकदार है इसका माथा, और सफेद सफेद चमकते दांत। अरे ये बकरे ही है ना? हाँ भाई हाँ, अगर अभी साहब रेस पे नहीं गए होते ना तो आपको मैं आपकी प्यारी प्यारी आंखों से दिखाई देता। ए मिंजा मौला ये क्या? ये जानवर पर लगने वाला हेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स, एडिशनल सरचार्जेस, प्रोफेशनल टैक्सेस, विद होल्डिंग टैक्सेस, और वो सारे टैक्सेस जो ना आपको पता है और ना ही मुझे, ये उनकी स्लिप है। ए मिंजा मौला इतने सारे टैक्स, पूरे 8,000 रुपए, इतना खर्चा हो? ये तो कुछ भी नहीं है, अगर आपने नहीं भरा ना तो 3 गुना ज्यादा जुर्माने के साथ बकरा भी जब्त हो सकता है। ए मिंजा मौला 8,000 रुपए में ऐसा नस्ली और असली बकरा जो है ना, महंगा नहीं है। चलो मैं देने की कोशिश करता हूँ, कुछ मुकबुका नहीं हो सकता? कुछ ऐसा रिश्वत रिश्वत लेके 1,000 रुपए लेके छोड़ दो सब कुछ? नो सर। ये मिंजा मुल्ला सर भी बोल दिए इतने प्यार से। मेरी ईद की कमाई थी 2, 3, 4, 5, 6, 7 ने 8, है अल्लाह ये तो पूरे उतने ही पैसे। ये रखिए, ठीक है ज्यादा दूर तक मत जाइएगा। अच्छा, ओके। ए मिंजा मुल्ला, जब जेब से रोकड़ा निकलता है तो खीसा खाली हो जाता है लेकिन दिल भारी हो जाता है। मिंजा मौला घर के तो हिसाब किताब भी पूरे नहीं होते, क्या इधर से खींच के नीचे जीरो लगाओ चौक, कितने जीरो लगा लो, सारे काम तो कलसुमड़ी खराब करती, जीरो है बिल्कुल, साइज जीरो नहीं है। जो भी एक चीज का हिसाब कर लिए तो मनुष्य ने आ गया ना, तू मेरा सारा हिसाब किताब गड़बड़ कर दिया तूने। बता तो खड़ी क्या हिसाब कर रही है, शायद मैं तेरी कुछ हेल्प कर सकूं? हाँ तेरे से पूछा जा सकता है। अरे हुक्म कर जो भी, हाजिर हूँ दिलो जान से,
घर के शोर हूँ मैं मरेला। अपन के घर में बकरा आया है। ए मिंजा मौला, इतना महंगा आइटम। ए गधेड़ा, हमने कौन सा खरीदा? ये तो कल चुमड़ी के माँ ने भेजा है ना। है? अच्छा, ओह वो तो अच्छी। फिर बोल बोल। ए तू ऐसा कर सुलेमान, मेरे को ऐसा हिसाब किताब बता कि गोश्त के हिस्से करूं तो लोगों में भी बांटूं तो ज्यादा हिस्सा मेरी तरफ आ जावे। हाँ मेरे को सोचने दे। एक काम कर जुबी, ये जो गोश्त है ना इसको एक जगह इकट्ठा कर दे, ढेरी बना के रख दे। बरोबर। अब हिस्से करने के वास्ते बार बार गोश्त को ऊपर उछाल। हाँ ऊपर रह जाए वो देने वाले को ले रख दे, अने जो नीचे गिरे वो संभाल के फ्रिज में रख दे। वाह 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 सुलेमान, क्या आइडिया दिया है तूने। किधर जा रही है, किधर का ध्यान है? आपकी खिदमत में सेठ सुलेमान है। अब आपकी जरूरियत खत्म है, आप तशरीफ का टोकरा ले जाइए। ये तो बोझ हो गया। वो मोहम्मद अली ने जेबा की फिल्म थी ना, उसमें कव्वाली थी, जैसे जानते नहीं सुन कवालों के बाप, मेरी बात सुन। ये तू उधर भी यही प्रोग्राम करता है, जब भी नीचे आके हमको फंक्शन दिखाते है तू वहां निकल, तेरे पांव उल्टे है, जाके तेरे फार्मूले के मुताबिक तू चुड़ैलों की प्रॉपर्टी है। मेरा क्या, नहीं जाना तो जा, इधर लेट जा, मासी आ जाएगी, बहुत बहाने खोर मासी है, मक्खियां खाएंगी तेरे को, तू खुद जाएगा। जा जा अपनी के हो जा। मौला, ए मेरे बकरे के साथ ये क्या हो रहा है? मुझे खिलाते नहीं है और बकरे को खिला खिला के तब से नहीं है। ए बात सुनो, अरे बच्चों, ये ऐसे नहीं मानेंगे ये बच्चे, इनकी खुद दिखने में लड़ानी पड़ेगी। अरे बच्चों इधर आओ, 100-100 रुपए तो लो। देखो कैसे पलटे ये कमीने। रोको रोको, नहीं तुम खुद भी थक रहे हो, नहीं बच्चों को भी थका रहे हो। इधर आओ, इधर आओ, सौ रुपए अभी दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, मगर एक शर्त है। ये रेसिंग कराते। कैसी रेसिंग? ए नहीं रेसिंग का नहीं, जो रेसिंग में जीतेगा ना वो 100 रुपए जीत जाएगा। ठीक है, नहीं रेडी हो? चलो लाइन से खड़े हो पहले। हाँ ठीक है। ए नहीं लाइन इधर नहीं है, नहीं उधर लाइन है, इधर इधर खड़े हो। हाँ इधर इधर, तुम इधर हो। चलो ने वन ने टू ने थ्रू। चले गए, रुक जाना, इतनी बड़ी हो गई। अंकल चले गए, गया तेरा अंकल? ए, ये तो और भी अच्छी बात है यार, सारा खर्चा मेरा बच गया। लेकिन पप्पू तो बकरा भी साथ ले गए। हे मिंजा बोला, बकरा भी ले गए? ए मगर तुम लोगों ने रोका नहीं। हम कैसे रोकते, उनका बकरा था वो ले गए। ऐसे कैसे ले गया? ए माँ, ए कुलसुम, बकरी की बोटिया बन गई क्या? अच्छा साहब, मैं समझ गया, मैं समझ गया। तूने अपने कजन को भेजा है गोश्त की बोटियां बनाने को? नहीं, मेरे को तो नहीं बताया। ए माँ, आपसे पूछ के गया है? मेरे से तेरी भाईरी ने कभी नहीं पूछा, उसका कजन किससे पूछेगा? सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। ए मेरा बच्चा क्या हुआ? गर्मा के मजे हो रहे, गर्मा के मजे हो रहे। ए माँ, ए माँ, मैंने उस टैक्स वाली को पूरे 8,000 रुपए भर दिए और बकरा भी गायब है। अरे वो बिल भैया, जाके देख, गुड्डू जाके देख, कजन वजन ना हो। जगो आप बिल्कुल फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
गजन, मेरा प्यारा गजन आ रहा। मैंने आपको कहा था ना, उसने धोखा नहीं दिया। भाई बकरा किधर है? ए, कौन सा बकरा? वो जो कलसुम की माँ ने हमारे लिए कुर्बानी के लिए भेजा था। कुर्बानी? मुझे लगता है तू गलत फहमी हुई है। ए वायरा, तेरी गलत फैमिली का चक्कर में ना मेरा पूरा 8,000 रुपए का नुकसान हो गया है। माँ ने बकरा नहीं भेजा था कुर्बानी के वास्ते। अच्छा, वो बकरा? हाँ। वो तो खाला को मैंने बोला मैं कराची जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा ये बकरा साथ लेके चले जाओ, इससे तुम्हारे आने जाने का ना खर्चा निकल आएगा। ए मिंजा मौला, ए तेरे खर्चे के चक्कर में यार मैं तो लुट गया, मेरे 8,000 रुपए लग गए, वो कौन देगा? ए मेरे को क्या पता, ए पूरा खानदानी फ्रॉड है, कैसे हो सकता है? खुद तो ये कुर्बानी देंगे नहीं, हमारे लिए किसे बकरा लाएंगे ये लोग? एक्सक्यूज मी, एक मिनट। हाँ ना, इस सब में मेरा कसूर है, ना मेरी माँ का, ना मेरे कजन का। अच्छा, ये चक्कू खुद क्या था पैसा भरने के लिए? ए मेरे से बात सुनो, तेरा की